गुरुवार को कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बड़गाम के जग्गू अरिजल इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। वहीं आतंकियों के मारे जाने पर उनकी पैरवी करने आए पत्थरबाजों ने सुरक्षा बलों पर खूब पत्थर बरसाए। बता दें, इस पत्थरबाजी में एक ओबी वैन भी क्षतिग्रस्त हो गई। इलाके में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा लगातार सियासी चर्चा में है। इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगता है कि भगवान राम उन्हें 2019 में चुनाव जितवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि चुनाव में जनता वोट करती है, ना कि भगवान राम या फिर अल्लाह। गुरुवार को कठुआ, सांबा और डोडा में निकाय चुनावों में काउंसलर्स ने शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के वक्त सभी काउंसलर्स काफी उत्साह में दिखे। काउंसलर्स ने दावा किया है कि वो जनता से किए हर वादे को पूरा करेंगे। डोडा में स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, कार्यक्रम माइनिंग विभाग की तरफ से करवाया गया था। इस दौरान माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम के जरिए जनता को जागरूक करना है, ताकि खदानों के आसपास गंदगी न फैलाई जाए। पंचायत चुनावों के लिए उधमपुर के मुत्तल से सरपंच उम्मीदवार मक्खन लाल ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान मक्खन लाल के साथ उनके कई समर्थक भी ढोल नगाड़े लेकर उनके साथ मौजूद रहे। जम्मू एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा विजिलेंस वीक के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में एयरपोर्ट डायरेक्टर समेत कई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति समाज के हर व्यक्ति को आगे आना होगा, ताकि भ्रष्टाचार की बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने IG बसंत रथ द्वारा मीडिया कर्मियों को थप्पड़ झड़ने की वारदात की कड़ी निंदा की। NSUI कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह के IPS अधिकारी के खिलाफ राज्यपाल को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, जो कानून को अपने हाथों की कठपुतली समझते हैं। एसोसिएशन द्वारा खेलो इंडिया के तहत बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें, 1 नवम्बर से 3 नवम्बर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक रियासत में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक रियासत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि श्रीनगर और लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बर्फ के चलते बंद हो गया।